कर लेते हैं। सीएम योगी का सरकारी कर्मचारियों को लेकर बड़ा तोहफा देने की तैयारी है। दिवाली से पहले मिलेगा राज्य कर्मचारियों को तोहफा। राज्य कर्मचारियों को आपको बताते चले कि 4% डीए देने की तैयारी है। केंद्रीय कर्मियों की तरह ही महंगाई भत्ता मिलेगा। दिवाली से पहले बोनस देने की भी तैयारी हो रही है। संकेत हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। संकेत, वाकई दिवाली से पहले एक बड़ा तोहफा राज्य कर्मचारियों को? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राज्य कर्मचारियों को तोहफा दे सकते हैं। इसमें 4% महंगाई भत्ता देने की तैयारी की है और इसके अलावा दिवाली से पहले बोनस देने की भी तैयारी राज्य सरकार ने की है। इसमें लगभग 20 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को सीधे फायदा होगा और योगी सरकार की कोशिश है, वो जल्द से जल्द जो कागजी कार्रवाई है वो अधिकारी पूरी कर रहे हैं और जल्द ही दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों को यह तोहफा मिल सकता है। इसमें बोनस का है और महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने का, इस पर लेकर अधिकारी मंथन कर रहे हैं और फाइल तैयार हो रही है। वहीं इससे अगर हम बात करें, राजपत्रित जो कर्मचारी हैं इनको बोनस और जो महंगाई दर भत्ता दिए जा रहे हैं वो 300 करोड़ रुपए का व्यवहार अतिरिक्त आएगा। वही बोनस पर लगभग 7000 रुपए की वृद्धि होगी और इस पर भी जो सीधे तौर पर कर्मचारी फायदे में होंगे वो 14,82,000 के लगभग कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा। वही दूसरी तरफ जो 4% वृद्धि होगी उसमें 46% हो जाएगा, पहले 42% भी हुआ करता था। जाहिर सी बात है, एक राज्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा योगी सरकार देने की तैयारी कर रही है और ये दिवाली से पहले दिया जा सकता है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। इटावा में पुलिस ने बीमार महिला की मौत के मामले में आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर लिया है। आरोप के मुताबिक हवन के बाद उसने पानी की पाइप से पिटाई कर दी और गर्दन पर पैर रखकर रख दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। परिवार के लोगों को धोखा देने के लिए तांत्रिक ने यह भरोसा दिया कि महिला अभी भी होश है और 7 दिन बाद वो होश में आ जाएगी। परिजन शव को अपने घर में रखे हुए थे। बाद में जब शव सड़ने लगा तो परिजनों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा भूत भगाने के नाम पर उसे डंडे से मारते थे, उसके उसके शरीर पर चोट पहुंचाते थे, उसे गले को दबाने की भी बात डंडे से संज्ञान में आई है तथा कई स्थान पर शरीर में चोटें भी आई हैं, जिसके कारण से उनकी जो है परसों उसकी मृत्यु हो गई थी महिला की। लेकिन उसने बोला था कि यह व्यक्ति जो है, यह महिला जो है मृत प्राय होने के बाद भी 7 दिन बाद जीवित हो जाएगी और इसी अंधविश्वास में घर वाले 2 दिन तक डेड बॉडी के बारे में सूचना नहीं दिए। जब डेड बॉडी डिकम्पोज होने लगी। सोनभद्र में मुस्लिम टीचर पर छात्रा का अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने का आरोप लगा है। वीडियो वायरल होने के बाद हिंदू संगठनों में आक्रोश है। आरोप के मुताबिक कौशल विकास केंद्र के संचालक ने अपनी ही छात्रा का खुद वीडियो बनाकर वायरल किया और ये टीचर लड़कियों को अपने झांसे में फंसाकर उनके साथ अश्लीलता करता था और वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। हमीरपुर में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से बड़ा सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 12 से अधिक लोग घायल हो गए हैं और ये लोग बच्चे का मुंडन कराकर लौट रहे थे। बताया जा रहा है कि ड्राइवर की लापरवाही से चलते ट्रैक्टर का हाइड्रोलिक बटन जो है दबने से ट्रॉली पलट गई है और सभी लोग बीच रोड पर गिर गए हैं। सभी घायलों के इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनमें से 7 लोगों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल रेफर किया गया। मौदहा कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ।